शिमला जिला के ज्योरी में राज्य स्तरीय सीनियर वर्ग बॉक्सिंग चैंपियनशिप का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से 108 बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाया। प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी 28 अक्टूबर से महाराष्ट्र पुणे में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। बुशहर बॉक्सिंग क्लब ज्यूरी द्वारा 46वीं सीनियर पुरुष वर्ग बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया। 3 दिवसीय आयोजित इस पुरुष वर्ग सीनियर प्रतियोगिता में 110 बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी खिलाड़ियों का चयन किया गया। यहां से चयनित खिलाड़ी पुणे में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मौके पर राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव सुरेंद्र शांडिल ने बताया कि चयनित खिलाड़ी पुणे में 27 अक्टूबर से होने वाली राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, इसमें पूरे हिमाचल से विभिन्न जिलों से 110 लड़के भाग ले रहे हैं और यहाँ से हम एक हिमाचल की टीम सेलेक्ट करेंगे जो कि 27 तारीख से इसी महीने पुणे में नेशनल चैंपियनशिप होनी है, उसमें ये भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी आशीष चौधरी ने बताया कि प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रयासों से उन्हें मंच मिल रहा है और इस तरह की प्रतियोगिता के आयोजन से युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ती है और युवा नशे से दूर भी रहेंगे। आशीष चौधरी है और मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैं अभी हाल ही में रशिया खेल के आया हूँ। उससे पहले मैं कजाकिस्तान और इंडोनेशिया, जहाँ पर मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, और उससे पहले मैं यूक्रेन और ओपन इंडिया, काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भाग ले चुका हूँ। और यहाँ पे अभी सीनियर स्टेट हो रही है जो कि हमारी फेडरेशन हिमाचल प्रदेश एसोसिएशन बॉक्सिंग एसोसिएशन के थ्रू हो रही है और इनका हमारे आगे बढ़ने में बहुत योगदान रहा है। हमारे लड़के अच्छे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और नशे के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर लड़का स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है तो वो नशे से हमेशा दूर रहता है। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।